गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं कल नहीं आया था, क्यों नहीं आए थे आप सर? ठीक है, उसके पीछे बड़ा कारण ये था कि हम लोगों को एज ए डॉक्टर जो है कई बार जो है अपने आप को ट्रेन करना होता है ताकि हम कुछ भूल ना जाएं, गलती ना कर बैठे। तो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का वेबिनार था जिसमें क्या होता को दादू मैं कि डॉक्टर बनने में एक साथ में जब आप मेडिकल प्रोफेशन में होते हो ना तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको ये कभी आप नहीं बोल सकते हो कि आप एक्सपर्ट हो गए हो। आप कभी ये नहीं बोल सकते हो कि आप एक्सपर्ट हो गए हो। आपको लगना हमेशा दिमाग में ये रहना चाहिए कि यू हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स। ठीक है ना, इसलिए बोलते ना कि डॉक्टर प्रैक्टिस करता है। क्या बोल करता है? प्रैक्टिस करता है, परफेक्ट नहीं बोलते भाई। डॉक्टर परफेक्शनिस्ट ऐसा नहीं है, प्रैक्टिसिंग फिजिशियन है, प्रयास करने वाले डॉक्टर है। तो मतलब समझ लीजिए अच्छे से कि डॉक्टर को जो है हमेशा सीखते रहना पड़ता है। और डायबिटीज जैसी बीमारियों में तो हर रोज नया रिसर्च होता है, नए मॉलिक्यूल्स आते हैं, पुरानी मेडिसिन के कई नए साइड इफेक्ट भी निकल के आते हैं, नई मेडिसिन के भी कुछ इफेक्ट, साइड इफेक्ट और बेनिफिट्स और हार्म सब आपको पढ़ना होता है। जैसे बीच में एक ट्रेंड आया था कि जो है डायबिटीज के डॉक्टर जो है जो छोटे शहरों में प्रैक्टिस करते कई लोग, उन्होंने जाकर देखा कि भैया नया मेडिसिन मार्केट में आया हुआ है ना, उसको बोलते थे हम लोग SGLT2 इनहिबिटर, जो पेशाब के जरिए शुगर बाहर निकालता था, जो पेशाब के जरिए शुगर को बाहर निकालता है, ऐसा भी मेडिसिन है डायबिटीज में। तो उस मेडिसिन का लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया तो कई छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशन भी सामने आना शुरू हुए उसमें, है ना, सीवियर UTI होना शुरू हुआ लोगों को, है ना, UTI मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो क्या होता है कि किस मेडिसिन को किस पेशेंट के ग्रुप को देना है, क्या मेडिसिन किस पेशेंट में बेस्ट सूट करेगा, क्या सूट नहीं करेगा, उस पेशेंट का उम्र क्या है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मतलब कि वो किस तरह की एक्टिविटी है, ओबेज है, थिन है, किस प्रकार का व्यक्ति है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। यानी जब आप डायबिटीज़ का इलाज करते हैं ना तो आप डायबिटीज़ को, पहली बात तो मैं बोल दूँ, इलाज करना नहीं, डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं ना आप, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको पेशेंट की लाइफ साइकिल सब कुछ देखना होता है। आपको लाइफ साइकिल नहीं, लाइफ स्टाइल बोलना चाहिए, लाइफ स्टाइल देखनी होती है उसकी। ठीक है, स्ट्रेस लेवल देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन चुननी होती है। ठीक है, मतलब डायबिटीज़ को ऐसा नहीं कि बुखार आ गया तो पैरासिटामोल पकड़ा दिया। ठीक है, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड डिजीज, इसको मैनेज करने में जो है वो आपको, मतलब मानकर चलता हूँ मैं ये बात, मैं मानकर चलता हूँ कोई पेशेंट मेरे पास आएगा तो मुझे कम से कम उसका 1-2 या 3 बार उसका मेडिसिन मुझे रिव्यू करना पड़ेगा, फिर जाके मुझे सही कॉम्बिनेशन मिलेगा कि ये मेडिसिन इसको सूट करेगा, पहली बार में नहीं मिलेगा। ये मैं पेशेंट को भी बोल के रखता हूँ। तो हम लोगों को भी अगर लगातार अपडेशन की आवश्यकता होती है, मैं नहीं, दुनिया भर के सारे डॉक्टर जो है वो अपने आप को लगातार ग्रूम करते रहते हैं, चाहे वो CME के थ्रू हो, चाहे कोई मेडिकल सेमिनार कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो। ठीक है, जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आपको बात समझ में आएगी ये वाली। खैर, अब आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात ये है कि मैं पहले तो आपसे एक क्वेश्चन करूँगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूँ कि क्या कठोर है, हार्ड क्या है, एक चट्टान या पानी, वाटर, विच इज द हार्डेस्ट मटेरियल, क्या हार्ड है, चट्टान है ना, मतलब रॉक जो है इट इज हार्डर देन द वाटर। पर आप गौर करना, कभी कोई झरना बहता है, कोई नदी बहती है, कोई जो है वो पानी का सोर्स पहाड़ से नीचे आ रहा है, तो आप देखना जहां से लगातार पानी बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, क्योंकि पानी तो बिल्कुल सॉफ्ट है, पानी बिल्कुल सॉफ्ट है, चट्टान एकदम हार्ड है, लेकिन लगातार पानी बहता रहता है, बहता रहता है, तो चट्टान में जो है वो क्या होता है, एक रास्ता बन जाता है, चट्टान का वो हिस्सा घिस जाता है और पानी नीचे आ जाता है, होता है ना ऐसा। इससे क्या मालूम चलता है, इससे ये मालूम चलता है कि चाहे कोई कितना ही कठोर क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम कितना ही हार्ड क्यों ना हो, यदि लगातार प्रयास करते रहेंगे, आप कितना ही सॉफ्ट क्यों ना हो, आपको लगता हो कि ये नहीं होगा, लेकिन प्रयास करते रहेंगे तो वो हो जाएगा। आप देखो ना, हमारे सामने जो है जिंदगी हमको बहुत सारे उदाहरण देती है, लाइफ हमको बहुत सारे एग्जाम्पल देती है। यदि लगातार पानी कहीं से बहता रहे तो उस पानी के बहने के कारण भी चट्टान पर दरार या निशान पड़ जाता है। कभी आपने देखा नदी किनारे या समुद्र के किनारे आपको जो पत्थर मिलेंगे ना, वो आपको गोल 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 पत्थर मिलेंगे आपको, ठीक है ना, बड़े अच्छे सोने। कभी बॉम्बे जब आप आओगे ना, और हम लोग जब आप सिलेक्ट हो जाओगे अच्छी रैंक पे, और आप जब बॉम्बे आओगे, गिरगांव चौपाटी साथ में चलेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारे घर के पास में गिरगांव चौपाटी है, तो वहां पे समुद्र के किनारे हम पत्थर बटोरेंगे,
मैं तो इकट्ठे करता हूँ, कई बार जाता हूँ पत्थर, सफेद ब्राउन, बड़े गोल गोल छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो, उनमें कोई शार्प एज नहीं होती उनमें, वो मानो में पानी में ही लुढ़कते 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 पानी में वो गोल शेप में आ चुके होते हैं, रोल डाउन होते होते वो, ठीक है। मतलब ये है कि कोई कितना ही कठोर क्यों ना हो, कोई कोई चीज कितनी ही कठोर क्यों ना हो, यदि आपको उस पर निशान करने हैं, आपको उस पर अपना उसको आपको जो है वो बदलना है, तो लगातार प्रयास कर रहे होंगे। ये सब रूटीन हमारे आसपास के लाइफ के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो एक तो बात हुई प्रयास करने की, कि यदि आप लगातार प्रयास करते रहते हैं, लगातार 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 प्रयास होना चाहिए, आगे की दिशा में होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, दौड़िए सफलता के लिए, दौड़िए। दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते तो सरकिए, पर रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आप पहुंच जाएंगे मंजिल तक, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि किसी भी व्यक्ति को अपने आप को कमजोर, किसी भी व्यक्ति का अपने आप को कमजोर समझना अपने स्वयं के प्रति एक अन्याय है। वॉट इज इनजस्टिस? इनजस्टिस ये कि आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, अपने आप को अयोग्य समझ रहे हैं, अपने आप बारे में ये सोच रहे हैं कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, ये सबसे बड़ा इनजस्टिस आपने अपने साथ कर लिया है। एक है रियलिटी, रियलिटी ये है कि आपने ये समझ गए आप कि देखो यार, मेडिकल की तैयारी करना या IIT की तैयारी करना जो है उसमें मेरा मन नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? मेरा मन नहीं लगता है, मेरा मेरे को कुछ और करना है, और आप फिर प्रयास कर रहे हैं, तो यू आर जस्ट ट्राइंग टू फेल यूर सेल्फ ताकि आप अपने फील्ड में जा सके, ठीक है। तो ऐसा मत करो, मतलब आपके मन में जो है ना बेटा, जो आपकी पहली प्रायोरिटी दिमाग के अंदर है उसको फोकस करो, कि अब समय यह है, ये कोई बहुत पुराना टाइम, ये 21st सेंचुरी का जो है वो आप समझ लीजिए कि ये सबसे गोल्डन पीरियड है। यहाँ पे जो आप सोचते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बड़े शहरों में तो बच्चे अपने सपनों को जी रहे, छोटे शहरों में अभी भी जो है संभावनाएं कम है, उनको जानकारी नहीं है, इसलिए जो है कई बार बच्चे बेचारे पिस जाते हैं इस चीज में, ठीक है। मैं वही कहता हूं, आप अपने पैशन को पहचानिए, उसकी दिशा में आगे बढ़िए आप, ठीक है। सब चल रहा है, सब कुछ, गाना गाते अच्छा तो जाइए अच्छे मंच पे गाना गाने के लिए, मौके ढूंढिए उसके लिए, ठीक है। पर ये सच में अच्छा होना चाहिए, जैसे मैं हूं, मैंने तो जो है, मैं कल कल जब मैंने ओरिएंटेशन सेशन लिया तो उसमें मैंने जनगण मन गाया, राष्ट्रगान किया, राष्ट्र राष्ट्र जो है वो अपना। तो आप सोचो इतना गंदा गाया, मेरा बेटा मुझसे बोलता है कि पापा कितना गंदा गाया है, कोई बजा देते कम से कम। एक्चुअली मैं आई एम नॉट ए सिंगर, जी मेरे को शौक लग जाए कि सिंगर बनना है तो मैं सबसे फ्लॉप सिंगर रहूंगा। पता नहीं ऐसा क्या है दुनिया में कि जो नाम होते हैं ना आदमी उसका उल्टा होता है। मेरा नाम है गीतेंद्र, गीत का इंद्र, राजा, गीतों का राजा। अब बताओ मैं गीतों का राजा कहां से, एक गीत नहीं आता मेरे को, एक सिंगल गीत नहीं आता मेरे को, मतलब नाम उल्टे, मतलब नाम का उल्टा ही मतलब निकलता है कुछ और, ठीक है। खैर छोड़ते इस बात को, है ना। तो पॉइंट ये है कि आपको अपने आप के साथ में इनजस्टिस नहीं करना है। दूसरी बात, व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? व्यक्तित्व आपका हार्ड नहीं होना चाहिए, मतलब किसी के लिए बहुत कठोर भावनाओं को रख लो, किसी के लिए कि मुझे तो मतलब मैं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, एडमंड हो जाओ, वो चीज ठीक नहीं है। व्यक्तित्व आपका सॉफ्ट होना चाहिए। भगवान के जब हम कभी मंदिर में जाते हैं तो हम भगवान को क्या चढ़ाते हैं? पत्थर चढ़ाते हैं कि फूल चढ़ाते हैं? फूल चढ़ाते हैं, फूल सॉफ्ट होता है, पत्थर तो हार्ड होता है, तो हम वो कठोर चीज भगवान को नहीं चढ़ाते, हम फूल चढ़ाते हैं भगवान को, ठीक है ना। आप बोलोगे सर फूल तो जला में 3 दिन में खराब हो जाता है, अरे भाई जो जिएगा वही तो मरेगा, फूल जिया है तो वो मरा है, चट्टान कभी जिंदा ही नहीं थी तो वैसी की वैसी है। तो परिवर्तन तो जीवन का नियम है बेटा, है ना। परिस्थितियां एक समान नहीं रहेंगी, आपको अपना हृदय कोमल रखना है, दूसरे की मदद के लिए आपको आगे आना है, आपको हमेशा ये सोचना है कि जो हमको ईश्वर ने दिया है ना उसके देने के बाद मैं नंबर एक तो ईश्वर को धन्यवाद दूं, नंबर दो ये कि उससे मैं जिसकी मदद कर सकता हूं ना उसकी मैं मदद करूं। क्यों? कारण उसके पीछे ये है कि कहते हैं ना कि चाहे वो सिकंदर रहा हो, चाहे धीरूभाई अंबानी रहे हो, चाहे कोई हो, कई लोग, कई अभी अभी हिंदुजा जो है वो एक बड़े बिजनेसमैन जो लंदन के अंदर थे, हिंदुजा वो खत्म हुए थे 3-4 दिन पहले। तो मैं यही सोचता हूँ कि इन लोग के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन आदमी जो है वो मृत्यु को रोक नहीं सकता है, वो जैसे आए थे वैसे चला जाएगा। आदमी जो धरती का है वो धरती पर रह जाएगा।
अब इस दौरान आपने कितने लोगों की जिंदगी में परिवर्तन किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता हूं कि आप कमाए बगैर चैरिटी करो। फर्स्ट यू हैव टू अर्न, पहले कमाने लायक बनो, अर्न करो, उसके बाद फिर आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर आप जो एक्स्ट्रा है आपके पास उसको किसी के लिए इस्तेमाल करो, किसी की जिंदगी में परिवर्तन करो उससे। आपको जो सुख बड़ी कार खरीदने में, बड़ा घर खरीदने में नहीं मिलेगा ना, उतना उससे ज्यादा सुख आपको मिलेगा किसी की मदद करने में। अभी मुझे ध्यान अच्छे से, जैसे मैं अभी जब धर्मशाला गया था मैं, तो मैक्लॉडगंज में हम लोग जो है वो दिन के समय बाजार में थे हम लोग, तो एक कोई लोग वहाँ पे आए होंगे, होता ना कोई लोग घूमते घूमते, गरीब परिवार होता है, कुछ ही तकलीफ में आके, वो दो छोटे बच्चे थे और हस्बैंड वाइफ थे, एकदम बड़े फटे हाल थे बेचारे, कहीं से आए थे, तो वो कुछ कुछ जो है ना बैठे सड़क किनारे बैठे हुए थे वो लोग, है ना, और भीख नहीं मांग रहे थे वो, दे आर नॉट, उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने जो है वो कुछ कुछ छोटा मोटा सामान जो होता ना, स्टिकर फिस्टिकर लेके रखे होते और वो बोल रहे थे कि ये खरीद लीजिए तो हम बच्चों को कुछ खाना खानवाना खिला पाएंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप पैसा दे दीजिए, ठीक है। तो पूछा उनसे कहाँ से हो, उन्होंने कहा हम साहब बिहार से हैं, यहाँ कैसे आ गए। उन्होंने कहा नहीं बताई कि हम यहाँ आए थे, काम करने आए थे, फिर काम नहीं मिला, ऐसा ऐसा हुआ, लूटने के पैसे नहीं थे हमारे पास, इसलिए हम यहीं रह गए अभी फिलहाल, और गांव में भी हमारा, हम लौटना नहीं चाहते हैं, कुछ इश्यू है उनके, फैमिली प्रॉब्लम है, जो भी। भारती ने जो है सुना, उन्होंने, भारती ने वहाँ बाजू में एक दुकान थी, वहाँ जाके कुछ सैंडविचेस खरीदे उनके लिए, कुछ खाने का सामान सुबह का उनको दिया और शाम के लिए पैक करा के उनको दे दिया, ठीक है। बच्चे एकदम कूदने लगे जैसे सैंडविच एकदम देखा सैंडविच उन्होंने, क्योंकि वो जहाँ बैठे थे उसके सामने बेकरी थी, वो सैंडविच पेस्ट्री, खुश हो, छोटे छोटे बच्चे थे 4 साल का 6 साल का, और वो जो खुशी थी ना उन बच्चों की, वो खुशी आपको किसी बड़ी चीज से मिल ही नहीं सकती। वो ये नहीं कि कोई कोई अहम अपना अहम तुष्ट करने के लिए उनको कुछ दिया, खुशी मिली, अपने बच्चे से है वैसे वो बच्चे, ठीक है। उनको पूछा कि कहाँ जाना है, क्या करना है, नंबर दिया कि भाई कोई दिक्कत हो तो बताना हमको, ठीक है ना। तो क्या होता है कि आपको जरूरी नहीं कि आप किसी की बहुत बड़ी मदद करें, आप कोई भूखा है उसको आपने कुछ खिला भी दिया ना 2-5 रुपए का, उस दिन उस क्षण के लिए वो एक बड़ी चीज है। तो कभी भी जिंदगी में जो है ना, याद रखना कि जिंदगी में बेटा है ना, जैसे कभी भी जो है ना लाइफ में हृदय को कठोर मत बनाना। लोग आपको धोखा देंगे और वो अपने आप को होशियार समझ रहे होंगे, आप धोखा खा खा कर जो है उनके जैसे होने लगोगे, वो धोखा दे दे के वो और कठोर हो जाएंगे वो, और आपको लगेगा कि यार दुनिया तो मुझे छल रही है, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है। लेकिन मैं एक बात यही सोचता हूँ, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, पॉइंट ये है कि ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ, ये ईश्वर ने मुझे दिया, और तुम लूटना चाहते हो तो हमेशा लुटेरे रहोगे। लुटेरा कभी बड़ा नहीं होता, सेठ बड़ा होता है, जिसके घर लूट हो रही थी वही बड़ा होता है हमेशा, तभी तो उसके घर को निशाना बनाया गया होता है। जिंदगी में याद रखना बेटा ना, लोग बहुत सारे प्रकार से तुमको जो है वो मैनिपुलेट करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे, पर एक बात याद रखना चाहिए के वे भीड़ का हिस्सा है, वो भीड़ है, भीड़ ऐसी है। तुमको यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि तुम जैसे व्यक्ति हो वो अंदर से बदलना नहीं चाहिए व्यक्ति को, वी अलर्ट, सावधान हो जाइए, समझिए लोगों को, लेकिन मदद करने से पीछे मत हटिए, जान लीजिए इस बात को। कि वो ये ना कहावत कि नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है, अच्छा करो भूल जाओ, तो हृदय हमेशा कोमल होना चाहिए, फूल के समान, पत्थर के समान होना चाहिए, ठीक है, और प्रयास भी जल के समान होना चाहिए, पत्थर के समान नहीं, ठीक है। अपने आप को कभी भी जो है वो कमजोर मत समझना। चलिए, आज का ज्ञान काफी बहुत लंबा हो गया, मैं वही बोलूंगा आपसे कि मुझे भी आपसे मिले बगैर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बात वही, कभी कभी ऐसी अर्जेंसी होती है कि हम बात नहीं कर पाते मॉर्निंग में। पढ़िए, मेहनत कीजिए, अच्छा कुछ हासिल कीजिए, और देखो बेटा सिंपल सी बात है कि जब हम दिन की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं ना, पूरा दिन अच्छा जाता है, और पूरे दिन हमको ये बात दिमाग में रहती है कि हमें कुछ बेहतर करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो है बिलियंस ऑफ लोग इस जमीन पर है, हम यदि एक व्यक्ति के तौर पे कितने लोगों की जिंदगी में प्रभाव डाल सकते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।